Shri Ramakrishna.
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश मोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरा राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते प्रणमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद मित्रिला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं मित्रिला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्र शशि श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ।
तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद तुम्हें बहू जी पूज्यपाद भक्ति श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। उपस्थित पूज्यपाद ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति विराट सिद्धांति महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद संजय प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ वैष्णव और वैष्णव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी ने आज्ञा दी है मेरा कोई भी इतने बड़े बड़े यहाँ पे वैष्णव बैठे हैं उनके सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज जी का आज्ञा का पालन करते हुए मैं 2 मिनट के लिए यहाँ की कथा बताऊंगा। जहाँ पे अभी हम परिक्रमा करते हुए गुरु वैष्णव के अनुगत्य में भी उपस्थित हुए हैं, इस स्थान का नाम है शांतिपुर। ये अद्वैताचार्य जी का घर है। अद्वैताचार्य जी की 2 पत्नियां हैं, श्री और श्री देवी और सीता देवी, सीता ठाकुरानी। तो यहीं पे वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ जैसे कि यहाँ पे वास करते थे। तो अद्वैताचार्य जी का ये स्थान जो है शांतिपुर, यहीं पे रह के उन्होंने महाप्रभु के लिए आराधना की थी, भगवान के लिए कि भगवान प्रकट हो। जब हम चैतन्य भागवत में कथा पढ़ते हैं तो वर्णन आता है कि अद्वैत प्रभु तो किनके अवतार है, ये महाविष्णु जी का ही अवतार है और सदाशिव का मिलित अवतार, सदाशिव और महाविष्णु जी। तो हमेशा अद्वैताचार्य प्रभु क्या करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान के प्रकट होने के लिए। क्योंकि उस समय क्या था, यहाँ पे यवनों का अधिकार था भारत भूमि पर, किसी को भी कीर्तन की करने के लिए खुलेआम जो है ऐसे कीर्तन नहीं कर सकते थे, अपने घर में भी कोई कीर्तन नहीं कर सकता था। सभी भक्त बहुत ही दुखी होते थे, भक्तों को देख के लोग चिढ़ते थे, उनको गालियां देते थे, बोलते थे तुम लोग हरी हरी बोलते हो इसलिए तुम्हारा सब कुछ हरण हो गया है। देखो चंडी के उपासक जो है, शिव जी के उपासक जो है, वो कितना कितना उनके पास धन है, संपत्ति है, और तुम लोग हरी हरी बोलते हो और ऊंचे ऊंचे स्वर में गाते हो ना, इसीलिए देवता तुम पर रुष्ट हो गया है और तुम्हारा सब कुछ हरण हो गया है। इस प्रकार भक्त लोग बहुत ही दुखी होते थे। लेकिन जब अद्वैताचार्य जी के पास में आते थे तो उनको कुछ देर के लिए शांति मिलती थी। पहले अद्वैताचार्य जी नवद्वीप में भी कुछ देर रहते थे, जब महाप्रभु का भी अवतार नहीं हुआ था, महाप्रभु के जन्म से कुछ देर पहले। क्योंकि महाप्रभु के जो बड़े भाई विश्वरूप है, उन्होंने अद्वैताचार्य जी की जो कक्षा थी जहाँ पे अद्वैताचार्य जी क्या कराते थे, वेद अध्ययन शास्त्र भागवत गीता का पाठ कराते थे, वहीं पे विश्वरूप जी वहां पे पढ़ते थे और सबको हरि कथा श्रवण करते थे, करवाते थे और करते थे। इस प्रकार अद्वैताचार्य जी जब महाप्रभु प्रकट हो गए, उनको भी पता चल गया कि मेरे प्रभु प्रकट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आके अपने घर वापस आ गए थे। बोलते थे अगर वो मेरे ही प्रभु हैं तो वो अवश्य मुझे ढूंढ लेंगे। फिर महाप्रभु ने श्रीवास जी के भाई को भेजा था कि उनको बुला के लेके आओ अद्वैताचार्य जी को, तो फिर वो उनको लेने आए थे। और अद्वैताचार्य जी पहले यहाँ से कहाँ चले गए थे, उनके साथ तो चले गए लेकिन महाप्रभु के पास नवद्वीप में मिलने नहीं गए, नंदाचार्य जी के घर में जहाँ हम कल जाएंगे वहां छुप के बैठ गए थे। तो फिर महाप्रभु ने कहा कि अच्छा अद्वैत मेरी भिक्षा लेना चाहता है, अभी जाके देखता हूँ। इस प्रकार से इनका बड़ा ही प्रेम के साथ इनका मिलन हुआ बहुत सुंदर। अद्वैताचार्य जी का बड़ी ही सुंदर स्तुति की है, पूजा की पूरी सामग्री अपनी पत्नी के साथ लेके आए अद्वैताचार्य जी महाप्रभु की पूजा की। और यहाँ पे अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहीं पे उन्होंने, उनके पास शालिग्राम शिला थी, शालिग्राम शिला पर तुलसी दल और गंगा जल दे करके हर रोज प्रार्थना करते थे भगवान को, प्रकट हो प्रकट हो। इनको अद्वैताचार्य जी को क्या बोला जाता है, गौर आना प्रभु। यहाँ नवद्वीप में गौर आना प्रभु अर्थात जो नित्य चिरंजय महाप्रभु को लेकर के आए। अर्थ क्या हुआ, जैसे कोई व्यक्ति वृंदावन जाना चाहता है, उसको बोलो भैया चलो वृंदावन चले, बोलो हाँ चलेंगे कभी, बोलो जाना तो चाहता हूँ लेकिन अभी बहुत काम है, और फिर ऐसे करके हर बार जाना तो चाहते हैं लेकिन काम है, लेकिन उसको एक व्यक्ति मिला, बोला कोई बात नहीं काम तुम्हारा वो मैंने कर दिया, चलो। कहता नहीं अभी ऐसे कैसे चला जाऊं, टिकट तो नहीं है, बोला ये लो टिकट। अच्छा कहता टिकट तो मिल गई भैया, कपड़े भी तो चाहिए, बोला ये कपड़े का बैग लो, बोला ऐसे कैसे चला जाऊं, कहते वो कैसे चाहिए, कहते वहां पे तो कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को फोन करना पड़ेगा रहने के लिए, बोलो वो सब व्यवस्था भी मैं कर दूंगा रहने की खाने की, ये पैसे भी रख लो कुछ। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, कुछ ऑप्शन नहीं बचा, उसको टिकट लेगा बैठ जाएगा गाड़ी में, जाना तो वो वृंदावन चाहता था लेकिन कब जाएगा कुछ निश्चित नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको सब कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दिया कि उसको जाना पड़ गया वृंदावन। इसी प्रकार महाप्रभु का अवतार तो होना था लेकिन कब होना था, प्रथम संध्या में कलयुग की कब आएंगे प्रभु, ये कुछ पता नहीं था। अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना से, इनकी हुंकार से क्या हुआ, महाप्रभु जल्दी आ गए। इसीलिए महाप्रभु अक्सर इनको नाड़ा नाड़ा कहकर पुकारते थे। नाड़ा का अर्थ होता है जैसे हम कहते हैं सिंहासन हिला देना, भगवान का सिंहासन हिला दे, इनकी ऐसी पुकार की इन्होंने, तो महाप्रभु कहते थे वो नाड़ा कहाँ चला गया, मुझको बुला के अभी कहीं छुप के बैठ गया है। इस प्रकार से कई बार उच्चारण करते थे नाड़ा नाड़ा कहकर। और यहाँ पे जब अद्वैताचार्य जी ने गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करके प्रार्थना की तो भगवान को जल्दी आना पड़ा, भगवान प्रकट हो गए। यहाँ पे भी आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, 2 अलग अलग, वहां पे क्या दिखाया हुआ है अद्वैताचार्य जी का, एक तो एक चित्रपट है वहां पे वो दिखा रहे हैं कि तुलसी दल
और जल अर्पण कर रहे हैं, जैसे गंगा जल शालिग्राम शिला को। दूसरे में बीच में दिखाया गया माधवेंद्रपुरी बातचीत का चित्रपट है, वो कौन है, इनके गुरुदेव है अद्वैताचार्य जी के। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमेशा अद्वैताचार्य जी को बहुत ही सम्मान देते थे। यद्यपि ये तत्वों की दृष्टि से अद्वैताचार्य जी तो महाविष्णु जी के अवतार है, लेकिन गुरु दृष्टि से क्या है, उनके काका गुरु जैसे है। क्योंकि माधवेंद्रपुरी पाद के जो शिष्य हुए वो ईश्वरपुरी पाद जी हैं, और ईश्वरपुरी पाद के शिष्य है महाप्रभु, अगर उसकी दृष्टि से देखा जाए तो। इसीलिए हमेशा महाप्रभु इनको क्या करते थे, प्रणाम करते थे, सम्मान प्रदान करते थे। इसीलिए एक बार क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी के मन में इस चीज के लिए बड़ी ही होती थी कि मेरे प्रभु मेरे को इतना सम्मान देते हैं, कभी मुझ पर शासन भी करें, कभी मुझ पर क्रोध भी करें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक बार यहाँ पर आके क्या किया, योग वशिष्ठ नाम एक ग्रंथ है जिसमें कि निर्गुण निराकार के बारे में, जैसे कि अहम ब्रह्मस्मि, इस प्रकार की व्याख्या की गई है निर्गुण परक भगवान की। तो उस शास्त्र का पाठ करना शुरू कर दिया अद्वैताचार्य जी ने यहाँ पे आके। और जब महाप्रभु को पता चला तो वहां महाप्रभु ने बहुत ही क्रोध करके और लात मारी आके, अद्वैताचार्य जी पाठ कर रहे हैं। और जब महाप्रभु यहाँ पे उपस्थित हुए तो अद्वैताचार्य जी ने जोर जोर से पाठ करना शुरू कर दिया, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो वो है वही मैं हूँ, इस प्रकार से। तो महाप्रभु ने क्या किया, लात मारी और उनके ऊपर चढ़ के छाती के ऊपर बैठ के मारने लग गए। तो उनकी पत्नी आगे बोलती है, बुढ़ा मर जाएगा, बुढ़ा मर जाएगा, ऐसे मत करो। तो फिर इस प्रकार जब महाप्रभु का क्रोध थोड़ा शांत होता है, थोड़े लज्जित भी होते हैं महाप्रभु, लेकिन अद्वैताचार्य जी क्या कर रहे हैं, खड़े हुए और नाचने लग गए, बोले मैं जीत गया। क्यों, वो तो ये चाहते ही थे कि प्रभु मेरे पर शासन करे। इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर सुंदर यहाँ की कथाएं हैं नित्यानंद प्रभु के साथ। एक बार यहाँ पे हो गया वांछा ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञान निरंजन शलाकया चक्षुरं लितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव की कृपा से हम लोग शांतिपुर में कालना का दर्शन करते हुए शांतिपुर में आए। स्थान का नाम ही शांतिपुर है, जहां पर पूर्ण शांति है, इसलिए स्थान को क्या कहा जाता है, अभिन्न वैकुंठ। वैकुंठ में कौन रहते हैं, साक्षात भगवान रहते हैं। यहाँ पर इस जगत में सब जगह अशांति है, लेकिन वैकुंठ में क्या है, शांति है। इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु का एक नाम है शांतिपुर नाथ। ये शांतिपुर के नाथ हैं, वैकुंठ के नाथ हैं, साक्षात महाविष्णु श्री अद्वैताचार्य प्रभु। इनकी बड़ी महिमा है, इनके बड़े गुणगान हैं, जो श्री चैतन्य चैतामित में श्री कबीरराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जी को इस जगत में प्रकट कराने वाले महाप्रभु जी के आने के मुख्य और गौण कारण हुए। दो मुख्य कारण, दो गौण कारण। उन कारणों में एक श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी का बड़ा विशेष एक अवदान है। क्या अवदान, कि जैसे अभी सुन रहे थे, संसार की स्थिति इतनी खराब, कुत्ते बिल्ली का विवाह करने को ही बड़ा आयोजन धार्मिक कार्य समझा जाता था, यही भक्ति मानी जाती थी, चंडी कीर्तन इत्यादि ये सब स्थिति थी। इसको देखकर अद्वैताचार्य प्रभु बड़े कष्ट में थे। क्यों, है तो महाविष्णु परंतु आचार्य का कार्य भी कर रहे हैं, और वे कार्य में क्या आता है, पर दुखे दुखी, संसार के इस दुख में दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाते। इसलिए श्री अद्वैताचार्य प्रभु मन में विचार करने लगे कि इच्छा करती है हाथ में चक्र लेके सबका संहार कर डालो, सबको मार डालो, परंतु ये संहार का कार्य तो सभी अवतारों में ही हुआ, इसलिए संहार नहीं, ये कलयुग है, इसमें एक विशेष कृपा संपन्न किसी महापुरुष को, अपने इष्ट को मैं यहाँ पर अवतीर्ण कराऊंगा। विचार ही कर रहे थे, मन में बड़ा खेद हो रहा था, तो उन्होंने एक श्लोक देख लिया, तुलसी दल मात्रे न जलस्य वे चुलकेन्वा। कहते हैं कि जो एक भक्त हाथ में तुलसी दल गंगा जल लेकर
ठाकुर जी को अर्पण करता है, भगवान कहते हैं मैं उसके हाथों से बिक जाता हूँ। ये विचार करके श्री अद्वैताचार्य प्रभु हाथ में गंगा जल और तुलसी पत्र लेकर शालिग्राम जी को जो अर्पण किया और जोर से हुंकार भरी, वो प्रेममयी हुंकार जिससे भगवान का सिंहासन हिल पड़ा। इसलिए उनका नाम अद्वैताचार्य प्रभु जी का एक नाम है नाड़ा। नाड़ा का मतलब हिलाना। जिन्होंने भगवान के सिंहासन को हिला दिया, तो महाप्रभु जी स्वयं कहते हैं कि मैं इस नाड़ा की हुंकार से मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन ये कहाँ है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जब फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जब उनका जन्म हुआ श्रीधाम मायापुर में, श्री अद्वैताचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर जी के साथ आनंद में नृत्य करने लगे। हरिदास लैया संगे श्री अद्वैताचार्य प्रभु आनंद में नृत्य करने लगे, लेकिन ये जान नहीं पा रहे कि आनंद क्यों हो रहा है, मेरा मन इतना हर्षित क्यों हो रहा है, इतना आनंद क्यों हो रहा है। तब श्री अद्वैताचार्य प्रभु यहाँ से मायापुर में भी रहे और वहीं पर कहाँ पर सची माता गृह के निकट श्री अद्वैताचार्य प्रभु वास करते और क्या करते, श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनाते। जहाँ पर सची माता के ज्येष्ठ पुत्र श्री विश्वरूप प्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जो ज्येष्ठ भ्राता विश्वरूप प्रभु नित्य प्रति श्री अद्वैताचार्य प्रभु के निकट आकर श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते। जब कोई वैष्णव कोई आचार्य भागवत की कथा को कहते हैं, वह भागवत की कथा में वैराग्य होता है अर्थात संसार असार है इस बात से अवगत होता है, असारता पता लगती है, अनुभूति पता लगती है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जैसे कहते ना भगवत गीता यथा रूप, वैसे ही श्रीमद् भागवत यथा रूप। जो भागवत जी का मर्म है, जिस भागवत धर्म की शिक्षा भागवत जी ने वर्णन की है, उसी भागवत धर्म को ही। और भागवत धर्म किसने बनाया? ये वे भागवत प्रोक्ता उपाय आत्मलब्ध स्वयं भगवान ने अपने मुख से जिस वाणी को कहा वही भागवत है। और यहाँ तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु स्वयं अपने मुख से उस भागवत जी की व्याख्या कर रहे हैं, जिसको सुनकर विश्वरूप प्रभु उन्होंने विचार किया अब मैं संन्यास ले लूंगा। और उनके कथा को सुनकर विष्णु प्रभु संन्यास लेकर चले गए। लेकिन जब वो कथा सुनते थे उस समय कभी कभी सची माता निमाई से कहती थी, निमाई अपने भैया को बुला लो, ज्येष्ठ भ्राता को बुला लो। तो निमाई छोटे से नंग धड़ंग ठुमकते ठुमकते चलते और विष्णु प्रभु से बोलते कि आई अर्थात माता बुला रही है। श्री अद्वैताचार्य प्रभु मन में विचार करते ये छोटा सा सुंदर सा बालक पता नहीं क्यों इसके वचन इतने प्रभावित करने वाले, मैं इतना आकर्षित क्यों हो रहा हूँ इनके वचनों से, समझ नहीं पा रहे। अभी तक महाप्रभु जी ने अपना प्रकाशन नहीं किया था इसलिए समझ नहीं पा रहे वो कौन है। इसलिए धीरे 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 महाप्रभु जी ने जब अपने आप को प्रकाशित किया तो श्री अद्वैताचार्य प्रभु महाप्रभु की इस महिमा को समझे। और जहाँ जहाँ महाप्रभु जी जाते श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी देखो नवदीप में भी महाप्रभु के साथ रहते और जब जगन्नाथपुरी आते तब भी श्री अद्वैताचार्य प्रभु समस्त भक्तों को लेकर नवदीप से समस्त भक्तों को लेकर जगन्नाथपुरी में आते और 18 नाला श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री महाप्रभु जी अपने भक्तों के साथ पुरी के भक्तों के साथ श्री अद्वैताचार्य जी को सम्मान से उनको प्रणाम इत्यादि करके गले में माला चंदन इत्यादि देकर सारे भक्तों का स्वागत करते। तो यही बात श्री अद्वैताचार्य प्रभु को प्रिय नहीं लगती कि महाप्रभु जी बार बार मुझको इतना सम्मान क्यों करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि अद्वैताचार्य प्रभु उनके गुरु जी के गुरु भाई लगते हैं। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु अभी हम लोग सुन रहे थे, इसलिए जब योग वशिष्ठ का अर्थात ये सब ज्ञान जब कहने लगे तो महाप्रभु जी ने आकर उनको खूब पीटा खूब मारा। तो सीता ठाकुरानी आकर कहने लगी ये वृद्ध ये मर जाएगा आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अद्वैताचार्य प्रभु इस बात को स्थापित करते हैं कि एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, एकमात्र ईश्वर भगवान कृष्ण हैं और सब उनके दास हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु कहते हैं चैतन्य रे दास मुही चैतन्य रे दास
चैतन्य दास मोहित तारादास दास। मैं चैतन्य महाप्रभु का दास नहीं, उनके दासों का, दासों का, दासों का, यही हमारी परंपरा है। इसका बड़ा विस्तार है इस बात का। हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में सभी दास अनुदास की ही प्रार्थना करते हैं। इवन यहाँ तक कि ब्रज में भी वात्सल्य रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधु रस भी वहां पर प्रमाण है चैतन्य चेतामृत में कि कैसे सभी रसों के भक्त दास रस, मतलब उस रस में भी दासता है, उसको स्थापित करते हैं। इसलिए दास अनुदास श्री चैतन्य महाप्रभु जिस बात को कहते हैं कि गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास, मैं दासों का, दासों का दास। श्री अद्वैताचार्य प्रभु भी चैतन्य दास हुई चैतन्य दास, मैं उनके दासों का दास हूँ। जैसे कुलशेखर जी कहते हैं, मद जन्मम फलम इदम मधु कैतवारे, मद प्रार्थना मद अनुग्रह एष एव, तो भृत्य भृत्य परिचारका भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मरण लोकनाथ। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कोई अनुग्रह करना चाहते हो, कुछ कृपा करना चाहते हो, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। भृत्य भृत्य मतलब होता है दास, अपने दासों का, दासों का, दासों का, दासों का दास बनाकर रखो। इसलिए वह आचार्य हैं, हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। और इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर, बहुत सी लीला है, महाराज भी संजय को भी बोलेंगे, एक कथा बोलकर समाप्त करता हूँ। एक बात और स्थापित करते हैं, क्या स्थापित किया, एक बार इन्होंने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया और पितृ श्राद्ध के लिए बड़े बड़े ज्येष्ठ ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए। लेकिन एक नियम होता है कि पितृ श्राद्ध जो होता है उसका अग्रभाग सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है। तो उस समय उस सभा में जहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे उस कुल के, वहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, जो नाम के आचार्य हैं, भले ही उनका यवन कुल में जन्म हुआ लेकिन वो नाम के आचार्य हैं, नाम निष्ठा संपन्न श्री अद्वैत श्री हरिदास ठाकुर जी। जब श्री अद्वैताचार्य प्रभु जी ने उनको देखा तो अग्रभाग श्री हरिदास ठाकुर जी ऊपर अर्पण किया, जिसको देखकर सारे के सारे ब्राह्मण रुष्ट होकर कहने लगे, ये क्या कर रहे हो, ये अग्रभाग इनको दे रहे हो। और हरिदास ठाकुर जी विचार करके, ये सुनकर, श्रवण करके बड़ा विलाप करने लगे। बोलते, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए हे अद्वैताचार्य जी, ऐसा मत कीजिए, ये अग्रभाग ब्राह्मण को दीजिए। अद्वैताचार्य प्रभु बोलने लगे, नहीं, भले ही रुष्ट होते तो होने दो, क्योंकि एक शुद्ध भक्त को प्रसाद सेवा कराने से हजारों करोड़ों लाखों ब्राह्मणों की सेवा हो जाती है। इस प्रकार से उस बात को, सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं। क्या, जय भजो से बड़ो अभक्त हिंचार, कृष्ण भक्ति ते नाही जाति कुल आदि विचार। भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का जाति कुल का विचार नहीं है। और ये कौन है, ये तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। सारे ब्राह्मण रुष्ट होकर जा रहे तो जाए, हमें उनकी चिंता नहीं। एक ऐसे हरिदास ठाकुर जी को ये प्रसाद में से मैंने सबको खिलाना हो गया, इस बात को स्थापित करते हैं। इन ये अपने घर में श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते, और कैसा निमंत्रण, वहां पर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु जी के पत्तल पर श्री अद्वैताचार्य प्रभु जब प्रसाद रखते तो वह प्रेम, क्या बोलते हैं, प्रेम कौतूहल, प्रेम कलह होता है। प्रेम कला मतलब, कलह मतलब होता है झगड़ा, लेकिन होता है प्रेम का झगड़ा। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, हम इतने दिन से भूखे और ये दो मुट्ठी चावल, दो मुट्ठी यहाँ पर रख दिया हमारे सामने, ये कौन सा तरीका है, ठीक से निमंत्रण दिया नहीं, ठीक से खिलाया नहीं। और उठाकर नित्यानंद प्रभु ने वो चावल फेंक दिया अद्वैताचार्य प्रभु के ऊपर, और श्री अद्वैताचार्य प्रभु उन्हीं नित्यानंद प्रभु के महाप्रसाद को सारा ऐसे मलते मलते बोलते, तुम अवधूत के अवधूत ही रहे, ऐसे किसी पर उचित फेंकना चाहिए, और शासन मल भी रहे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का महाप्रसाद है। इस प्रकार महाप्रभु जी श्री अद्वैताचार्य प्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रेम कलय को कितना आस्वादन कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कैसे इन दोनों में प्रेम कला है। इसलिए बहुत प्रकार की लीला है, इनकी जल केली भी है इत्यादि। अभी और भक्तों से श्रवण करते हैं, मैं यहीं पर रखता हूँ। वंश अद्वैताचार्य प्रभु की। गुरुवे गौर
रामचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमो विष्णु पादाय शिरो प्रभुनाथ कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाविष्णु जगत कर्ता मायाया सजत्तदा तस्यावतारे वायम अद्वैताचार्येश्वरे श्री गुरुपाद पद्म की पूजनीय वैष्णवों की विशेष कृपा से अभी हम लोग जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं इसके विषय में आप लोगों ने कुछ कुछ कथाओं को श्रवण किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी के विषय में एक बात कहा करते थे, श्रुतिया अछिनु मुई शिरोद सागरे निद्रा भंग होइलो मोर नाडार हुंकारे। महाप्रभु कहते थे मैं बड़े प्रेम से सुख पूर्वक शिरोद सागरे शिरोद सागर में मैं बड़े सुख पूर्वक सो रहा था। ये अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, इनकी हुंकार से मेरी नींद टूट गई। तो जिन्होंने महाप्रभु की नींद तोड़ दी हमारी नींद नहीं तोड़ेंगे समझ में आ रही बात। तो हम देख रहे आधे इधर सो रहे आधे उधर सो रहे तो थोड़ी देर के लिए नींद तो तोड़ दो। अरे जिन्होंने महाप्रभु की नींद तोड़ दी हमारी नींद टूटेगी कि नहीं टूटेगी उनके स्थान पर आकर टूटेगी कि नहीं टूटेगी, टूटनी चाहिए नींद। देखो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। नरोत्तम दास ठाकुर जी का नाम सुना आप लोगों ने, हमारे संप्रदाय में एक बड़े रसिक आचार्य हुए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी हृदय स्पर्शी बात कही। बात को सुनना ध्यान से, आवाज आगे पीछे तक जोर से बोलकर बताओ, जय सचिनंदन गौर हरि की, अद्वैताचार्य प्रभु की, नित्यानंद प्रभु की। अरे आ रही है, ध्यान से सुनो, कान दो इधर उतने में भी आएगी। अभी जोर से हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, अभी चिंता मत करो। तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। वो कहते हैं भ्रमी वो द्वादश बने रस केली जे जे स्थाने प्रेमा वेशे गड़ा गड़ी दिया सुधाई वो जने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदी वो चरण धरिया। कितनी सुंदर बात, हृदय को गलाने वाली बात कह रहे। कहते भ्रमी वो द्वादश बने, मैं क्या करूंगा ये ब्रज में गौड़ मंडल में नवदीप में जो द्वादश बन है महाप्रभु और उनके परिकरों की जो ये लीला स्थलिया है रस केली जे जे स्थाने जहाँ पर नाना प्रकार की रस के लिए नाना प्रकार की लीलाएं हुई हैं, मैं उन स्थानों पर जाऊंगा और क्या करूंगा प्रेमावेशे घड़ा घड़ी दिया प्रेम के आवेश में मैं भूमि पर लोट पोट खाऊंगा और क्या करूंगा सुधाई वो जने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदी वो चरण धरिया। कितनी हृदय स्पर्शी बात कह रहे हैं, ऐसी रस के लिए जिन जिन स्थानों पर हुई है मैं वैष्णवों के साथ में उन स्थानों पर जाऊंगा, उन सब लीला कथाओं को श्रवण करूंगा स्मरण करूंगा और भूमि पर लोट पोट खाऊंगा। तो यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर रस के लिए हुई है ना, इस स्थान पर जो अद्वैताचार्य जी का स्थान है महाप्रभु जी के साथ में उनकी कितनी सुंदर सुंदर रस के लिए हुई है। हमने कुछ कुछ कथाओं को श्रवण किया, देखो ये अद्वैताचार्य जी जो है ना इनकी कितनी महिमा है। इनके विषय में कहा गया भक्तिर भंडारी तुम्हें बिने भक्ति दिले कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति कृष्ण कार्य मिले। अरे ये अद्वैताचार्य जी जो है ना ये भक्ति के भंडारी हैं और जिसको अद्वैताचार्य जी देंगे बिना अद्वैताचार्य जी के दिए कृष्ण भक्त कृष्ण कार्य मिले। किसी को भी कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्त और कृष्ण किसी को नहीं मिल सकते। जब तक अद्वैताचार्य जी की कृपा ना हो तब तक किसी को कृष्ण भक्ति कृष्ण और कृष्ण किसी को नहीं मिल सकते। तो इसलिए हम अद्वैताचार्य जी के चरणों में क्या मांगने आए, कृष्ण भक्त मांगने आए, कृष्ण भक्ति मांगने आए और साक्षात क्या मांगने आए, कृष्ण को मांगने आए। यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर रस के लिए हुई है ना, जिनके विषय में हम सुन रहे थे एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु जी, उनके विषय में कहा गया नर्पित चरिन चिरात करुणे अवतीर्ण कलव समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत व सचिनंदना करुणे अवतीर्ण कलव। जो अपनी करुणा से ही जगत में आविर्भूत हो गए, इतने करुणामय है महाप्रभु, किंतु अपनी करुणा से उनको आविर्भूत तो होना था किंतु कब होना था ये कोई निश्चित नहीं था। कलयुग तो कितना 432,000 वर्ष का है, कब आविर्भूत होंगे वो तो स्वतंत्र ईश्वर है, जब उनकी इच्छा होगी तब हो जाएंगे। किंतु अद्वैताचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने जगत में आकर के देखा महाप्रभु जी से पहले आ गए
और जगत में आकर के क्या देखा, जगत जो है ये कृष्ण भक्ति शून्य संसार है और ये है महाविष्णु। क्या कहा गया इनके विषय में चैतन्य चरितामृत में, महाविष्णु जगत कर्ता माया या सजत्यता तस्य अवतार एवायम अद्वैताचार्येश्वर। मैं उन अद्वैताचार्य जो साक्षात महाविष्णु है उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी माया से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि होती। तो ये अद्वैताचार्य जी कौन है, कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करने वाले, हम जीवों की सृष्टि करने वाले, तो हम जीवों का दुख इनको दिखलाई देगा कि नहीं देगा? जो हमारी सृष्टि करने वाले हैं हमारा दुख तो उनको दिखलाई देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जब आकर के देखा जगत तो कृष्ण भक्ति शून्य है तो तुलसी दल और गंगा जल से शालग्राम शिला जी की आराधना करने आरंभ की और मन में क्या विचार किया, यदि मैं अपने प्रभु का अवतार करा दूं जगत में तबे तो अद्वैताचार्य हमारे बढ़ाई, तब तो मेरा नाम अद्वैताचार्य साक्षात होगा। अद्वैत माने मैं महाप्रभु से अभिन्न हूं, अद्वैत माने मैं महाप्रभु से अभिन्न हूं। इसको ठीक करो भाई, मेरा नाम ये सार्थक कैसे होगा कि मुझमें और महाप्रभु में कोई भेद नहीं, दोनों विष्णु तत्व हैं। यदि मैं उनको आविर्भूत करा दूं जगत में तब मेरा नाम सार्थक होगा। तो उनके मन में श्लोक आया, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणीते सोमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान को यदि कोई तुलसी दल थोड़ा सा गंगा जल दे दे, भगवान विक्रीणीते सोमात्मानं, भगवान अपनी आत्मा को उसके चरणों में भेज देते। और इन्होंने ऐसी हुंकार मारी, महाप्रभु कहा करते थे, श्रुति आचीन हुई शिरोध सागरे निद्रा भंग हो मोर नाड़ा हुंकारे, मैं सुख पूर्वक सो रहा। जी का एक नाम क्या हुआ, गौराना ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु जी को जगत में जिन्होंने आविर्भूत करा दिया। कितने इनके हम जीवों पर दया है। और इनका नाम क्या है, अद्वैत आचार्य है। अद्वैत माने महाप्रभु जी से अभिन्न है, आचार्य माने, आचार्य का अर्थ होता आचिनोति या शास्त्रम आचार्य, जो स्वयं आचरण करके शिक्षा दे उसको कहते आचार्य, जो स्वयं आचरण करके शिक्षा दे उसको कहते आचार्य। तो इन्होंने कैसे आचरण करके शिक्षा दिया, एक समय यहाँ पर जब महाप्रभु जी का आविर्भाव हो गया ना, कैसी कैसी रस खेली हुई है इस स्थान पर। एक छोटी सी बात बताओ, एक समय महाप्रभु जी गदाधर पंडित जी को साथ में लिया, गदाधर जी कौन है, साक्षात राधा रानी। एक दिन महाप्रभु गदाधर करी संगे अद्वैत आचार्य देखी लेन, देखी ते चली लेन रंगे, बड़े रंग में महाप्रभु जी अद्वैताचार्य जी को साथ में लेकर, गदाधर पंडित जी को साथ में लेकर आए इस स्थान पर। और यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, यहाँ अद्वैताचार्य जी बैठकर शालग्राम शिला जी की आराधना कर रहे थे। षोडश उपचार से नाना प्रकार के उपहार सामग्रियों से क्या कर रहे थे, अपने शालग्राम जी की सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। जब उन्होंने महाप्रभु जी को देखा ना, ये अद्वैताचार्य जी ने अपने आसन से उठ गए और जितने सब सामान से शालग्राम शिला जी की पूजा कर रहे थे उस सब सामान से चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की पूजा करने आरंभ की। क्या कहते हुए, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब पूजा करने लगे ना, साथ में कौन थे, गदाधर पंडित जी। अभी महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया कि मैं ही कृष्ण हूं, थोड़ा थोड़ा प्रकाशित कर रहे, किंतु अद्वैताचार्य जी तो जानते हैं। जब उन्होंने सारे सामान से महाप्रभु की पूजा की ना, अद्वैताचार्य जी साथ में खड़े थे, उन्होंने जीव दबाकर कहा, हासी बोले, गदाधर जीवा कामड़ाई, जीवा कामड़ाई समझते तो है, नहीं समझते। जब कोई आश्चर्यजनक घटना हो जाए हमारे सामने हम क्या करते हैं, ऐसे करते ना ऐसे ऐसे करते ना। जब वो अद्वैताचार्य जी महाप्रभु जी से आयु में इतने बड़े हैं, उनके गुरु हैं, और जब सब सामान से उनकी पूजा की ना, तो गदाधर पंडित साथ में खड़े वो करे, ये क्या कर रहे हो। तो कहते हासी बोले, गदाधर जीवा कामड़ाए, हासी बोले गदाधर जीवा कामड़ाए, बाला के रे गोसाई है मत ना जुआरे, ये तो बच्चा है और आप इतने बड़े हो, ये बच्चे की पूजा क्यों कर रहे हो। तो अद्वैताचार्य जी गदाधर पंडित जी के वचन सुनकर कहते हैं, अरे गदाधर बालक जानीबा को तो दिन है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुमको पता चलेगा ये बालक कौन है, थोड़े दिन रुक जाओ। ऐसे स्वयं आचरण करके हमको क्या कर रहे हैं, महाप्रभु जी की सेवा करने की शिक्षा दे रहे हैं। और अभी सुन रहे थे ना कैसे स्वयं साक्षात महाविष्णु है, किंतु एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु चरण, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य जी, ये दो प्रभु है गौड़ियों के और महाप्रभु एक है। तो नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैताचार्य जी दोनों ने अपने चरित्र के माध्यम से महाप्रभु जी की सेवा की शिक्षा दी है। एक छोटी सी घटना बतलाकर मैं समाप्त करूं, फिर महाराज जी बोलेंगे।
जगन्नाथपुरी में जाते थे चार मास के लिए, सारे गौड़िया जितने भक्त है ना बंगाल के, सब चार महीने के लिए महाप्रभु जी के चरणों में रहने जाते थे और पूरे रथ यात्रा के चार मास तक महाप्रभु जी के साथ में रहते। और एक एक के घर में क्या होता है, एक एक दिन निमंत्रण होता। एक दिन अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु जी से कहा, प्रभु आज आप हमारे घर में भिक्षा कीजिए। महाप्रभु ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। दोपहर के समय में महाप्रभु जी निकले, समुद्र में स्नान किया और अद्वैताचार्य जी के घर में जाएंगे ये इच्छा लेकर के निकले। किंतु अद्वैताचार्य जी और उनकी पत्नी जो है ना सीता देवी, बड़ी भक्तिमती थी, वो दोनों रसोई बना रहे हैं। अद्वैताचार्य जी स्वयं रसोई बना रहे और सीता देवी उनकी सहायता कर रही है। बड़े नाना प्रकार के शाक बनाए, महाप्रभु जी को साग बड़ा प्रिय है, नाना प्रकार के साग बनाए, बड़े बनाए, रस मलाइयां बनाई, बहुत कुछ बनाया। और मन मन में क्या विचार कर रहे हैं, देखो कितना उनका सामर्थ है, कितना सामर्थ है, कितनी उनकी महिमा है। और मन मन में क्या विचार कर रहे हैं, महाप्रभु जी यदि अकेले आएंगे, क्योंकि महाप्रभु कहीं अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ में चार पांच लोग जाते थे, गोविंद प्रभु, काशीश्वर ब्रह्मचारी, ब्रह्मानंद भारती, ये सब जाते थे उनके साथ में। तो अद्वैताचार्य जी मन मन में विचार कर रहे हैं, यदि महाप्रभु जी सबके साथ में आएंगे तो अच्छा अच्छा भोजन जो है ना वो सबको खिला देंगे और स्वयं केवल शाक खाएंगे और थोड़ा अन्न खाएंगे। यदि महाप्रभु अकेले आ जाए तो मैं उनको अच्छे से प्रसाद कहूंगा, मन मन में विचार कर रहे हैं। अब महाविष्णु है ना वो साक्षात, उनकी इच्छा को जानकर इंद्र ने क्या किया, बड़ी भीषण झड़ वृष्टि आरंभ कर दी। जैसे ही महाप्रभु जी अपने घर से निकले, इतनी झड़ वृष्टि आरंभ हो गई, किसी को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। महाप्रभु के साथ में थे ना चार पांच लोग, किसी को कुछ मार्ग नहीं सूझ रहा, किधर जाए किधर न जाए, सब तितर बितर हो गए। महाप्रभु जी तो जानते थे उनकी इच्छा को, इतनी भीषण झड़ वृष्टि हुई, कोई झड़ वृष्टि का समय नहीं, असमय में इतनी झड़ वृष्टि हुई, सब अपने अपने प्राण रक्षा लेकर के इधर उधर चले गए, जहां जिसको स्थान मिला। महाप्रभु जी अकेले पहुंचे अद्वैताचार्य जी के घर में, हरे कृष्ण कहते हुए अद्वैताचार्य जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु को बिठाया, चरण धुलाए, प्रसाद परिवेशन करना आरंभ किया। इतने बड़े बड़े दोने बनाए, इतने बड़े बड़े दोने, बड़ी तेज हवा चलती थी ना तब भी वो दोने हिलते नहीं थे, सोचो कितने बड़े दोने होंगे, इतने बड़े बड़े दोने। और महाप्रभु को प्रसाद परिवेशन कर रहे। जब महाप्रभु ने पाना आरंभ किया ना, तो अद्वैताचार्य जी इंद्र की स्तुति करने लगे, धीरे 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 अकेले आ गए ना महाप्रभु, उनकी इच्छा पूरी हो गई। इंद्र की स्तुति करते हुए कहते, अरे इंद्र तुम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो, मैं जान गया तुम्हारी कृष्ण भक्ति को, तुम बहुत बड़े कृष्ण भक्त हो। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, अरे आचार्य आज ये इंद्र की बड़ी स्तुति कर रहे हो, क्या बात है? अद्वैताचार्य जी कहते, अरे आप अपना प्रसाद पाओ, आपको क्या लेना देना, हम किसकी स्तुति करते किसकी नहीं करते, आपको क्या लेना देना, आप अपना प्रसाद पाओ। महाप्रभु जी फिर हंसते हंसते क्या कहते, प्रभु कहे आरो कहनो लुकाओ आचार्य, जो तो सब उत्पाद है तुम्हारी से कार्य है। अरे जितना उत्पाद क्या ना झड़ वृष्टि, ये सारा तुम्हारा ही कार्य है, मैं जानता हूँ। तो महाप्रभु जी क्या कहते हैं, कहते अरे इंद्र जो है ना, इंद्र बहुत अच्छा भक्त है, क्यों? अरे तुम्हारी आज्ञा तो यमराज, तुम्हारी आज्ञा तो बड़े बड़े लोकपाल दिग्पाल भी पूरी करते हैं, क्यों? तुम महाविष्णु हो, इंद्र तुम्हारी आज्ञा पूरी कर रहा है, इसमें क्या बड़ी बात। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी की स्तुति कर रहे। ऐसे कितने नाना प्रकार के अद्वैताचार्य जी के साथ में महाप्रभु जी के रस के लिए है ना, हम लोग इस स्थान पर आए, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, इसी भावना के साथ में प्रणाम करेंगे। भक्ति भंडारी तुम्हें बिने भक्ति दिले, कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति कृष्ण कारो मिले। एक समय अद्वैताचार्य जी के एक पुत्र थे अच्युतानंद जी, 5 साल के, जैसे पिता वैसे पुत्र, उनको गोद में लेकर के बैठे थे, चारों ओर से, 5 साल का छोटा बच्चा है और चारों ओर धूल से भरा हुआ। महाप्रभु जी उनके घर में आए, वो अच्युतानंद जी का दिगंबर वेश देख करके ना बड़ी प्रीति पूर्वक महाप्रभु जी ने उनको गोद में उठा लिया। अब उसी समय में एक व्यक्ति ने उसने अद्वैताचार्य जी से पूछा कि महाप्रभु जी का गुरु कौन है, समझ में आ रहे तो बात, अद्वैताचार्य जी से पूछा महाप्रभु जी का गुरु कौन है, और साथ में उनके 5 साल के छोटे बच्चे खड़े हैं, उनके बेटे ज्येष्ठ पुत्र अच्युतानंद जी। तो अद्वैताचार्य जी ने मन में विचार किया, यद्यपि वो सब जानने वाले हैं महाविष्णु है, कि ये तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो तो साक्षात परब्रह्म, उनका गुरु कौन होगा, किंतु उन्होंने व्यावहारिक दृष्टिकोण से बतला दिया। जैसे गुरु तो कृष्ण के भी हुए हैं, गुरु तो महाप्रभु के भी हुए, व्यावहारिक दृष्टिकोण से बतला दिया, अरे इनके गुरु केशव भारती हैं, ईश्वरपुरी जी हैं। जब उनके 5 साल के छोटे बच्चे ने सुना ना, गोद से उतर गए और अपने पिताजी से झगड़ा करते हुए कहने लगा, 5 साल का छोटा बच्चा, अरे पिताजी आप तो धर्म के विषय में सब कुछ जानने वाले हो, फिर आप ऐसी अधर्म की बात क्यों कह रहे हो? कहते अरे 14 भुवन गुरु चैतन्य गोसाई, तार गुरु अन्य एक और शास्त्र नाई।
अरे ये चौथे भुवन के गुरु चैतन्य महाप्रभु, इनका गुरु कौन हो सकता है? आप कैसी अधर्म की बात कह रहे हो? सुनकर के महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए, उनके पुत्र को जो धूल में धूस रहे थे पुत्र को गोद में उठा लिया। इसलिए यह द्वैताचार्य जी हो, उनका ये पूरा उनके आत्मा जो अच्युतानंद प्रभु जी हो, हमारे संप्रदाय में इनका बड़ा विशेष स्थान, बड़ा विशेष स्थान। इनके चरणों में प्रणाम करेंगे। समय बहुत हो गया, अभी महाराज जी कुछ कथा करेंगे। सब सबको नींद आ रही है ना, 5 मिनट ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोल हरे कृष्ण जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोल श्री अद्वैताचार्य प्रभु की। हाँ देखो, हम लोगों ने बड़े कष्ट करके आए, सवेरे भी कितना बजे उठे होंगे, 3 बजे उठे होंगे ना, 3 बजे नहा धो करके आरती में आए होंगे, उसके बाद में संकल्प किया, आते ही फिर बैस में बैठे, फिर दिन भर घूम रहे हो, कितने कष्ट कर रहे हो। अभी प्रश्न है, हम लोग इतने कष्ट क्यों कर रहे हैं? क्यों कष्ट कर रहे? इतना कष्ट करके हमें मिलेगा क्या? तो देखो, इसमें जो चीज हमें मिलेगा ना, दुनिया का इसे कोई किसी बिजनेस में इतने लाभ तुम्हें नहीं मिलेगा जितना लाभ तुम्हें यहाँ आने पर मिलेगा। संसार के लिए हम बहुत कष्ट करते हैं, बताओ। संसार के लिए आप लोग देखे होंगे, आप बताओ, अपना लिए बहुत कम करते हैं। बीबी को कैसे खुश करे, पति को कैसे खुश करे, पत्नी को कैसे खुश करे, बच्चों को कैसे खुश करे, इसी के लिए ज्यादा करते हैं। घर में ऐसे होता होगा, देखे होंगे, सबको खिला करके अगर रोटी कुछ नहीं बचा होगा, रोटी बच गया होगा तो नमक नमक से खा लेते हैं, खा सकते कि नहीं? अभी तक मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, अभी तक संसार में कोई आपको बड़े खुश है? आपको पीछे चुगली के सिवाय तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं होगा, है कि नहीं? चुगली होता होगा ना। लेकिन भगवान जहाँ पर आए हैं ना, ये इतने दयालु, इतने कृपालु भगवान, इनके लिए एक कदम बढ़े तो ठाकुर जी आपके लिए 10 कदम बढ़ते हैं। ये सारे परिश्रम को अद्वैत आचार्य प्रभु देख रहे हैं, हैं? इसलिए भजन बोले ना, बोले दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। इनकी कृपा से हमें अब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मिले। बोले महाप्रभु नित्यानंद मिले तो क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? देखो, भागवत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, कहते ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग साधारण कलयुग नहीं है, कहते धन्य कलयुग है, धन्य कलयुग है। जिस कलयुग में सत्य तृतीय और द्वापर युग का लोग भी ये मानव शरीर लेना चाहते हैं, स्वर्ग के देवता लोग भी ये कलयुग में ये मानव जन्म लेकर के और ये गौड़ीय वैष्णव धारा में, प्रभुपाद महाप्रभु धारा में अभिषिक्त होकर के भगवान की भक्ति करना चाहते। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण है, हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, बोले ब्रह्मा वीर बांछी तजे प्रे जगते फेली लौटाली, देखो क्यों हम यहाँ पर आए हो? शंकर जी का नाम सुने हो? जानते हो सत्य शिवम शिव सुंदरम, वृंदावन में जो वृंदावन में शंकर जी प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन गोपी मूर्ति भी शंकर धारण कर लिया, लेकिन प्रवेश नहीं कर पाई, छोटी पकड़ करके शंकर जैसे व्यक्ति को छोटी पकड़ कर निकाल दिया गया वहां से। क्या काम कर रहे हैं? चौकीदारी का शंकर जी काम कर रहे हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मा जी जो सृष्टि करने वाले, ब्रज की पत्थर जन्म लेना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी दुनिया लक्ष्मी की कृपा के लिए तरसती हैं, लेकिन अभी भी वो माँ लक्ष्मी कहाँ पर बैठी हुई? वृंदावन में जमुना पार में बैठी हुई, अभी भी तपस्या करके हर जगह में लक्ष्मी को देखोगे ऐसे बैठी हुई थी, लेकिन अभी भी लक्ष्मी हाथ जोड़ करके वहां पर बैठी हुई, माँ लक्ष्मी बेलवन में बैठी हुई है। ब्रह्मा पत्थर जन्म लेना चाहते, उद्धव जी घास भूसा जन्म लेना चाहते। बोले क्यों? बोले जिस ब्रज प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए ना, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु कृपा से जो प्रेम
ब्रह्मा शंकर बनना चाहते हैं और इनकी कृपा से वो दुर्लभ प्रेम चुटकी बजाते मिल जाएगी, चुटकी बजाते मिल जाएगी आपके प्रेम। इसलिए हम लोगों ने इतने परिश्रम करके इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पर क्योंकि इनकी कृपा से जब हम लोग हर कथा सुन लिया, जिस समय श्री महाप्रभु ने अपना स्वरूप को उन्होंने प्रकाश कर लिया, इतने में अद्वैत आचार्य को बुलाए, अद्वैत आचार्य उन्होंने सारे पत्नी को साथ में सारे सामग्री को लेकर के आए, क्योंकि जिनके लिए सुना ना तुलसी पत्ता और गंगा जल लेकर उन्होंने कठोर तपस्या की, बोले क्यों तपस्या की, अब सुने ना ये कौन है, सदाशिव है, ये साधारण नहीं, ये सदाशिव महाविष्णु है, अवतार है, ये जगत में कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन ये कर सकते थे, इनके लिए बड़ी भारी बात नहीं था, हरिनाम संकीर्तन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा ये काम तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन श्री महाप्रभु जो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के 1000 चतुर्युग को बाद में एक बार आकर के वो जो ब्रज प्रेम को देना चाहते हैं, राधा रानी की पाल्यदासी मंजरी बाब देना चाहते हैं, वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये केवल कौन कर सकते है, अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कर सकते हैं, इसलिए और कोई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने महाप्रभु को जगत में उन्होंने बुलाया। अब बुला करके जब उन्होंने अपना स्वरूप को प्रकाश किया, अद्वैताचार्य जिनको पत्नी सीता देवी आई, आ करके महाप्रभु के चरणों को पूजा की, महाप्रभु बोले बोलो क्या चाहते हो, तुमने क्यों इतने कठोर तपस्या की, देखो आज जो संपूर्ण विश्व के लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हुए ना, संपूर्ण लंदन भारत अमेरिका संपूर्ण सारे देश लोग जो तिलक लगा कर यहाँ पर आए केवल इनकी आशीर्वाद, महाप्रभु ने बोलो क्या चाहते हो, बोले प्रभु आप जो ये कलयुग में आए हो, क्यों आए हो कलयुग में, कहते इसलिए आप कलयुग में आए हो, ब्रह्मा शंकर उद्धव जो प्रेम के लिए प्रार्थना करते हैं वो प्रेम को देने के लिए आए, दूसरे दूसरे युग में ब्राह्मण के सिवाय कोई भजन नहीं कर सकते थे, केवल ब्राह्मण ही ठाकुर का सेवा पूजा कर सकता है, ये तिलक कंठी भी ब्राह्मण के सिवाय कोई नहीं लगाया करते थे, ठाकुर को पूजा कोई नहीं कर सकते थे, हमारे गांव में तो अभी हम देखते हैं केवल ब्राह्मण को छोड़ करके कोई भी मंदिर में प्रवेश अधिकार गला में कंठी तिलक नहीं लगा सकते है, लेकिन अद्वैत आचार्य महाप्रभु के बोले बोले प्रभु ये धन्य कलयुग, जिस कलयुग में आप आए, आप छोटे मोटे किसी जाति को चंडाल फंडाल कुछ विचार किए बगैर आप जिस प्रेम को देने के लिए आए हो, सबको जात पात पूछना कोई हरिगा बजा सो हरिगा होई, आप सबको ये प्रेम प्रदान करना मेरे को अपने, यही आशीर्वाद दो, यही आशीर्वाद दो उन्होंने। तब महाप्रभु ने बोले ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैंने कोई जात भात विचार किए बगैर ये ब्रह्मा शंकर जो प्रेम को बनाना चाहते हो प्रेम मैंने सबको दूंगा, इसलिए आप लोगों देखो यहाँ पर कोई जात भात कुछ कोई विचार नहीं, और सबके सब एक स्थान पर बैठकर प्रसाद पा रहे, हरि कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे, किसकी कृपा है, हाँ इसलिए आप लोगों ने तिलक कंठी लगाए ना, आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है बड़े बड़े सत्य तृत्य द्वापर युग के स्वर्ग के देवता लोग भी कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु को धारा में अभिषिक्त होकर के श्री महाप्रभु को उपासना करना चाहते हैं, ये भागवत कहता है, इसलिए आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं, जिन लोगों ने इसी महाप्रभु को धारा में आप लोग आए हो, इसलिए इनके तो कथा बहुत ही है, वैष्णव अपराध के लिए उन्होंने बड़े कठोर उन्होंने शिक्षा दिया है, हाँ इन्होंने बड़ी कठोर शिक्षा दिया, वैष्णव अपराध कितने खतरनाक होता है, और इनकी बहुत बहुत कथा हम बोलेंगे तो भैया फिर आप यहाँ से जा नहीं सकते हो, यहीं पर बैठने जाओगे, इतना कथा, इसलिए हम लोग सबके सब इतने परिश्रम करके श्री अद्वैत आचार्य प्रभु के चरण में इसलिए आए हैं, इन्होंने जो हमारी हो करके महाप्रभु का चरण में उन्होंने प्रार्थना किया है, ये प्रेम आप सबको दे, इसलिए हम अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करते प्रभु, महाप्रभु से यही प्रार्थना करो, वो प्रेम का छीटा फोटा भी अगर हमारे शरीर में लग जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हिताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हाँ, हम यही बोल कर कथा को विश्राम देता हूँ, कथा की बहुत ही। चलो आप लोग, हाँ इसमें एक अनाउंसमेंट है, ये जो हमारे 5 बस आई है